नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है नागवंशी फैमिली में। मैं हूँ संगीता नागवंशी, आपके लिए फिर अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना, तुम मेरी जिंदगी में सबसे स्पेशल हो। कुछ लड़के यही गाते करते हैं, लड़कियों से बोलते भी हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो मैंने किसी के लिए नहीं किया। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तुम मुझसे दूर जाने की बात ना करो, मैं हर्ट होता हूँ। तो उन लड़कों को मैं ये बोलना चाहूंगी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने माँ बाप से नहीं मिलवा सकते, अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकते, अपने रिलेशन में कहीं लेके जा नहीं सकते। चोरी चोरी इधर उधर घुमाना, खिलाना पिलाना, कैसा प्यार है तुम्हारा, दिखावटी वाला? किस धोखे में तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रखते हो? बात लड़कियों पे आती है, लड़कों पे आती है, तो आज यहाँ पे बात लड़कों की हो रही है। कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कहते हैं, पर जब बात आती है निभाने की तो हाथ ऐसे खड़े कर देते हैं। सांप सूंघ जाता है मुझे। मेरी और अपनी पिक्चर तुम इंस्टाग्राम पे ना लगाओ, फेसबुक पे ना लगाओ, किसी के साथ शेयर मत करो, मेरे बारे में किसी को बताओ भी मत। हमारा रिश्ता जो है ऐसे सस्पेंस में रहने दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए जो है जरूरी है, ना कि कोई और। रिश्ता छुपाना क्यों? आप में दम नहीं है क्या रिश्ता निभाने की? जिसमें दम नहीं होता ना, वही बंदा ये सब चीज़ें करता है, चोरी से रिश्ता निभाता, चोरी चोरी हर चीज़ें करता है। लेकिन जब निभाने की बात आती है, परिवार की बात आ जाती है, लड़की के घरवार की या लड़के की परिवार के, लड़की को तो फोर्स करके वो बुलवा भी देता है कि हाँ, लड़की बोल भी देती है कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती, पर लड़के की जब बारी आती है ना, तो उसको अपनी इज्जत प्यारी हो जाती है। वो बोलता मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे रिलेशन वाले क्या कहेंगे, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, मेरे लिए लड़की मेरे माँ बाप पसंद करेंगे। तो तुम अब तक क्या कर रहे थे? सेक्सुअल होने के लिए तुमने जो है रिलेशन बनाया, टाइम पास कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग लड़कियों की फीलिंग से खेलते क्यों हो, क्या आप लोगों को फीलिंग से खेलना अच्छा लगता है? आपको पता नहीं कि कितना तकलीफ मिलता है, कितना दुख मिलता है। जो लड़की आपको सच्चे मन से प्यार करती है ना, वो आपके लिए वो सब कुछ करती है जो आप चाहते हो, सब कुछ छोड़ देती है, पर आपके पास तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। बात बात पे डांटना उसे, बात बात पे जो है गुस्साना उस पे, तुम क्या करती हो, तुम कुछ नहीं करती हो, तुम सिर्फ घर में रहती हो, ये करती हो, वो करती हो। वही रिश्ता पहले इतना स्पेशल था और बाद में ऐसा हो गया, किसी काम की नहीं हो, तुम देखने में ऐसी हो, मोटी हो, पतली हो, ये है वो है, तुम काली हो गई हो, ये हो गई हो। पहले कमियां नहीं थी, पर बाद में जब बंदे का मन भर जाता है ना लड़के का, तब यही बोलता है, कमियां निकालने लगता है, हजारों कमियां आप में निकालेगा, आपकी पढ़ाई को लेके, आपके वेट को लेके, आपके बोलने के तरीके, हर चीज में कमियां, आपके खाने में, आपके हर चीज में वो कमियां निकालेगा। पता है ऐसे लड़के क्या करते हैं? एक साल इसके साथ, एक साल उसके साथ, एक साल उसके साथ, एक साल, बस ऐसे ही वो जिंदगी काटते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ सेक्स चाहिए, इसीलिए रिश्ता बनाते हैं। कंट्रोल नहीं हो पाता उन पर, उनको खुद पर, इसलिए वो रिश्ते में आते हैं, रिलेशन बनाते हैं। जब मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं, फिर किसी और के साथ रिलेशन बना लेते हैं, और जब इन सबसे मन भर जाता है फिर शादी कर लेते हैं, जहाँ माँ बोलती है बाप बोलते हैं वहीं पे शादी कर लेते हैं। इतने चालाक होते हैं लड़के। हंसी आती है कभी ऐसे लड़कों पे और ऐसी लड़कियों पे भी हंसी आती है, जो मतलब आप मुद के विश्वास कर लेती हैं उन्हें, अपने परिवार की इज्जत या अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स की इज्जत प्यारी नहीं होती है। क्या ही बोला जाए, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, ये सच है। अंधी हो जाती हैं लड़कियां जो दिल की साफ होती हैं।
और लड़के उनका भरपूर इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं मरने के लिए। अब से समझ जाओ, अब से अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लायक हो कि नहीं लायक हो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, वो बंदा आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे, उसको प्यार करते हैं। जो आप में कमियां दिन में दिन रात निकालता, वो आपसे प्यार कैसे कर सकता, आप खुद नहीं सोच सकती। वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा था, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपना प्यार देना, सपोर्ट देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिख बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी, बाय।